ज़बरदस्त हमारी होटल स्टाइल दाल रेडी हो गई है। दम इसका मैंने खोल दिया है। बहुत ज़बरदस्त हमारा ऑयल जो घी हमने डाला था वो ऊपर आ गया है। बहुत ही शानदार रेडी हुई है ये, देखिए बहुत ही मज़ेदार है। और बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सलमा नियाज़ी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं होटल स्टाइल की दाल चना, जिसके लिए मैंने आधा किलो दाल लेके 2 से 3 घंटे पहले मैंने अच्छे से 4-5 बार वॉश किया था, फिर इसको पानी डाल के हमने भिगो दिया है। सबसे पहले हमने जिस पानी में से भिगो के रखा है उसी पानी के अंदर हम बॉयल करेंगे, जो पानी हम नहीं निकालेंगे। दाल को हमने गलाना है, ना ये बहुत ज़्यादा गली होनी चाहिए और ना ही ये बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। तो इसको कुकर के अंदर मैं डाल के बॉयल कर लूँगी। आप चाहे तो किसी पतीले के अंदर डाल के भी इसको बॉयल कर सकते हैं। 6 मिनट वेड़ लगाने के बाद दाल हमारी बिल्कुल गल चुकी है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त ये गल गई है। ये देखें ना तो बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त। ये काम हमारा मुकम्मल हो गया। अब चलते हैं दूसरी तरफ। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रख दिया है, आग मैंने जला दिया। इसके अंदर 1 से 1.5 कप हम घी का डालेंगे। इसको हम ऑयल के अंदर नहीं बनाएंगे, इसको हम घी के अंदर बनाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होगी। घी को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। घी गर्म हो गया है। इसके अंदर मैं दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिया है, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसको हम फ्राई करेंगे, इसको हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गया है, यहाँ पे 1 खाने का चम्मच मैं डाल दूंगी जीरा और साथ में 2 से 3 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये हम डाल देंगे। अब यहाँ पे 1 पाव मैंने टमाटर लिए थे, आधा किलो हमारी दाल है तो जिसका पेस्ट मैंने बना लिया ये हम डाल देंगे इसके अंदर। इसको भी अब 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे ताकि टमाटर का जो पानी हो अच्छे से खुश्क हो जाए और ये हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए। टमाटर डालने के बाद इनको अच्छे से मैंने भून लिया। यहाँ पे 1 टेबल स्पून हम डाल देंगे धनिया पाउडर। वन टेबल स्पून ये सूखी मिर्च पाउडर है, कम ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और 1/2 टीस्पून डालेंगे हम हल्दी। बस फिलहाल हमें इसमें मसाले डालेंगे और हमें यहाँ पे डाल देना साथ ही थोड़ा सा पानी ताकि हमारे मसाले जले। मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे ताकि ये कच्चापन खत्म हो जाए मसालों का। सूख मिर्च हल्दी और धनिया डालने के बाद उसको भून लिया है। यहाँ पे 1 खाने का चम्मच में अब नमक डालूंगी। अब मैं नमक फिर यहाँ पे डाल रही हूँ। एक खाने के चम्मच ये नमक है और 1 खाने के चम्मच ये गरम मसाला है। ये साथ ही साबुत 5 से 6 हरी मिर्चें डाल देंगे। मसाले थोड़ा सा पानी डाल देंगे, पका लेंगे थोड़ा सा और वो देखें बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है। बहुत ही मज़े की वीडियो आने वाली है। कल वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और बेल आइकन को दबाया करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाने के बाद आर का बटन प्रेस किया करें ताकि मेरी सारी वीडियोस को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। मसाला हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा बन चुका है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब यहाँ पर डाल देंगे हम दाल जो हमने बॉयल की थी। ये सारी दाल डाल ली है मैंने जो बॉयल की थी। अब इसको अच्छे से हम कर लेते हैं मिक्स। बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया ये देखिए, बहुत ही शानदार जी रेडी हुई, बहुत ही मज़ेदार। आप लोगों ने इसको ज़रूर बनाना है। और यहाँ पे साथ यहाँ पे मैं 1 कप पानी का डाल के इसको 5 मिनट पे के लिए ढक के रख दूँगी हल्की आँच पे ताकि ये अच्छे से पक जाए। मीडियम आंच पे 5 मिनट के लिए मैंने इसे ढक के रख दिया था। 5 मिनट के बाद मैंने इसका खोल दिया है, ढक्कन उठा दिया है। ये देखिए हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी दाल रेडी हो गई है। अब मैं चूल्हा बंद करके इसको छोड़ दूँगी दम पे ताकि इसका घी ऊपर आ जाए। मैं आपको इसकी शानदार सी लुक दिखाऊंगी कितनी ही ज़बरदस्त ये दाल रेडी हुई है हमारी। ज़बरदस्त हमारी होटल स्टाइल दाल रेडी हो गई है। दम इसका मैंने खोल दिया है। बहुत ज़बरदस्त हमारा ऑयल जो घी हमने डाला था वो ऊपर आ गया है। बहुत ही शानदार रेडी हुई है ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार है।
और बहुत ही आला जायका है इसका, आप लोगों ने इसको ज़रूर बनाना है, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेडी होती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, आल वाला बटन प्रेस किया करें ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। शुक्रिया।